हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों में लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है ठंडे पानी से, और बात हो नहाने की तो बाप रे बाप, अच्छे अच्छे अपना मूड बदल लेते हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हैं? अगर हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे बेस्ट गीजर्स के बारे में जो कड़कड़ाती ठंड में भी आपको देंगे गर्मा गर्म पानी। लेकिन दोस्तों, कोई भी गीजर खरीदने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, जैसे एक गीजर अच्छे ब्रांड का हो, पानी उसमें तेजी से गर्म हो, गर्म किया हुआ पानी लंबे समय तक गर्म रहे, बिजली की खपत कम हो और वारंटी भी लंबी होनी चाहिए। क्योंकि गीजर एक ऐसी चीज होता है जिसको हम एक बार खरीदते हैं और सालों साल चलाते हैं। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये तीनों गीजर सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों, ये तीनों गीजर्स मैंने खरीद कर इनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से टेस्ट किया है और उसके बाद ही आपको इस वीडियो में इनके बारे में बता रहा हूं। इन तीनों गीजर्स की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, और ये काम मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि अगर आपको कोई गीजर खरीदना है तो आप एक बेटर क्वालिटी का गीजर खरीद सकें। तो चलिए फटाफट से आप जानते हैं इन तीनों गीजर्स के फीचर और इनकी कीमत के बारे में। पहला गीजर है हेवल्स इंस्टेनियो प्राइम, दूसरा है एओस्मिथ एसडीएस ग्रीन और तीसरा गीजर है बजाज न्यू शक्ति। ये तीनों गीजर 25 लीटर कैपेसिटी में है, लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप इनका 15 लीटर वाला मॉडल भी खरीद सकते हो, जिसमें गीजर का लुक, डिजाइन, फीचर्स सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ टैंक की कैपेसिटी 15 लीटर होगी। इनके लुक्स और डिजाइन की बात करें तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इन तीनों गीजर्स का डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग है। जहां बजाज का गीजर सिलेंड्रिकल शेप में आता है, वहीं एओस्मिथ का गीजर स्क्वायर शेप में आता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉपर स्क्वायर शेप नहीं है, बट काफी अच्छा लगता है। और हेवल्स के गीजर की बात करें तो ये थोड़ा सा टॉलर है, लेकिन शेप इसका बहुत अच्छा है, इसको हम कैप्सूल शेप कहते हैं। हेवल्स और एओस्मिथ का गीजर एबीएस बॉडी में है और ड्यूल कलर का इसमें यूज किया गया है। वहीं बजाज का गीजर व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में है और इसकी आउटर बॉडी मेटल की है। लेकिन दोस्तों, आउटर बॉडी की कोटिंग अच्छी होने की वजह से बजाज का ये गीजर भी सालों साल रस्ट फ्री रहेगा। तीनों गीजर्स में हॉट वाटर टेम्परेचर की कंट्रोलिंग के लिए नॉब दिया गया है और नॉब के साथ ही इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जिनसे आपको हीटिंग और ऑटो कट ऑपरेशंस का पता लगता है। इन तीनों गीजर्स की पानी को गर्म करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यानी पानी को तेजी से गर्म करते हैं और ऑटो कट होने के बाद काफी लंबे समय तक पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिससे आपका समय और बिजली दोनों की बचत होती है। दोस्तों, बिजली बचत की बात हो ही रही है तो आपको जानकारी दे देता हूं इनकी स्टार रेटिंग्स के बारे में। बजाज और एओस्मिथ का गीजर 5-स्टार रेटिंग में आता है और हेवल्स का गीजर 4-स्टार रेटिंग में। अब बात करते हैं इनके इनर टैंक की। तीनों गीजर्स में काफी अच्छी क्वालिटी का टैंक लगाया गया है और साथ ही उसमें की गई है ग्लास लाइन कोटिंग। हालांकि तीनों ब्रांड्स उस कोटिंग को अलग अलग नाम से बताते हैं, लेकिन होती वो ग्लास लाइन कोटिंग ही है और एक ही तरह का काम करती है। अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है, जिसको हम हार्ड वाटर भी कहते हैं, जिससे काफी ज्यादा स्केलिंग होती है, तो आपके लिए ये तीनों गीजर्स बेस्ट हैं, क्योंकि इन तीनों में ग्लास लाइन कोटिंग के साथ साथ एनकलॉय हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है, और वो भी कोटिंग वाला। हार्ड वाटर से प्रोटेक्शन के लिए इन गीजर्स में मैग्नीशियम एनोड रॉड भी लगाई गई है, यानी कि हार्ड वाटर में यूज करने के लिए ये सारे गीजर बिल्कुल रेडी हैं। इन सभी में 2000 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है, जो पानी को काफी जल्दी गर्म करता है, और अगर वोल्टेज कम या ज्यादा भी आ जाए तो भी खराब नहीं होता।
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये सारे गीजर्स बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इन सभी में ऑटो कट, ओवरहीट से प्रोटेक्शन, ओवर प्रेशर से प्रोटेक्शन और मल्टीफंक्शनल वॉल जैसे सभी सेफ्टी फीचर्स कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। और अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो या आपके यहाँ प्रेशर पंप लगा हुआ है तो भी ये तीनों गीजर्स बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि ये सारे गीजर्स 8 बार प्रेशर हैंडलिंग के साथ आते हैं। इन तीनों गीजर्स में ऑलमोस्ट 1 मीटर की पावर कॉर्ड आती है विद इनबिल्ट 3 पिन टॉप। बॉक्स में कनेक्टिंग पाइप्स नहीं आते हैं एओस्मिथ और बजाज में, जबकि हैवल्स के गीजर के साथ आपको ये 2 पाइप्स बॉक्स में ही मिल जाते हैं। इंस्टॉलेशन की बात करें तो हैवल्स और एओस्मिथ फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर करते हैं, जबकि बजाज वाले इंस्टॉलेशन का चार्ज लेते हैं। वारंटी एओस्मिथ और हैवल्स के गीजर में आपको बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर ये दोनों ब्रांड्स 4 इयर्स की वारंटी ऑफर करते हैं और इनके इनर टैंक्स के ऊपर 7 इयर्स की वारंटी ऑफर करते हैं हैवल्स और एओस्मिथ वाले। वहीं बजाज का गीजर 4 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आपको मिलेगा, 6 ईयर की वारंटी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगी और इनर टैंक की वारंटी बजाज के गीजर में आपको 10 साल की मिलेगी। इन गीजर्स के प्राइस की अगर बात करें तो बजाज का गीजर आपको 7,800 रुपये के आसपास कॉस्ट करता है 25 लीटर वाला। अगर आप 15 लीटर में लेना चाहते हैं बजाज का ये गीजर तो 6,300 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। हैवल्स का गीजर 8,600 रुपये का कॉस्ट करेगा 25 लीटर वाला। अगर 15 लीटर में लेना चाहते हैं तो 7,600 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। वहीं एओस्मिथ का ये गीजर 25 लीटर कैपेसिटी में 11,200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। वहीं 15 लीटर कैपेसिटी में 10,200 रुपये के आसपास ये गीजर अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, जिसका मतलब यही है कि आपने इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया है। लेकिन एक बात और है जो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन तीनों गीजर्स को मैंने इस वीडियो में इसीलिए रखा है क्योंकि ये तीनों बेस्ट हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। यानी कि अगर आपको कोई बेस्ट गीजर खरीदना है तो आप इन तीनों में से कोई भी खरीद सकते हो जो आपके बजट में फिट हो जाए। अगर मेरी बात करें तो मुझे इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगी। इन सभी गीजर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली इनको खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर क्या रहे हो, करके जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।